हेलो सेवेंथ क्लास मैथ्स चैप्टर वन इंटीजर्स। पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है नंबर्स के इंट्रोडक्शन के ऊपर, और आज मैं इंटीजर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ाने वाला हूँ। तो जैसे जैसे चैप्टर प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा और स्पीड से बताऊंगा, क्योंकि टाइम लिमिट थोड़ा सा कम रहता है और वीडियो अपलोड होने में टाइम लग रहा है। और आपने तो नोटिस किया होगा एक वीडियो रहता है दूसरे दिन तक जाके वो यूट्यूब में अपलोड हो रहा है, और बहुत सारे वीडियोज़ हैं क्यू के अंदर। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे, और अगर इन केस अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो दो तीन बार इसको देखें, और उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा आपको तो मुझको मैसेज कर दें। तो इंट्रोडक्शन के अंदर ये है कि आपने पहले इंटीजर्स के बारे में पढ़ रखा है, तो सबसे पहले नंबर्स गेम के बारे में उन्होंने बताया है कि नंबर गेम के से पहले उन्होंने बताया है कि जो डिफरेंट नंबर्स कौन कौन से होते हैं। जैसे पहला है नेचुरल नंबर, जो आपको मैंने बताया था। नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई? जो 1, 2, 3, 4 नेचुरल है बिल्कुल, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, सिंपल नेचुरल नंबर। उसके बाद होल नंबर क्या होगा? इसके होल नंबर मतलब इसके अंदर एक जीरो लग जाएगा एक्स्ट्रा और बाकी सेम, सो ऑन। तो ये हो गया होल नंबर। इसके बाद में इंटीजर्स की बात आती है। इंटीजर्स के बारे में मैंने इससे पहले कल भी बताया था, या रैशनल नंबर वाला जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था, और मैंने पहले वाले जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था। इसके अंदर होल नंबर या पॉजिटिव नंबर्स के साथ साथ नेगेटिव नंबर भी होंगे। तो ये है इंटीजर्स, जी हाँ, और पॉजिटिव इंटीजर एज वेल एज नेगेटिव इंटीजर, तो एंड इंक्लूडिंग जीरो, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। नाउ जीरो, द नंबर जीरो इज एन इंटीजर हु इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, एंड जीरो इज द मोस्ट पावरफुल नंबर। दोनों चीजें आपको पता है, नाइदर ये नेगेटिव है नॉर ये पॉजिटिव है, बिल्कुल बीच में है, और ये मोस्ट पावरफुल नंबर भी है। जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। अब बात करते हैं इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉडुलर और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। ये लिखते हैं वो ये है, जैसे मैं इसमें लिख रखा है, मैं
को एक जगह उतार देता हूँ और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है समझना। जैसे इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और माइनस ए इफ ए इज लेस देन। अब ये जो लाइन लिखी है मैंने दो दो लाइन्स लिखी है, इसमें कई बार बच्चों को डिफिकल्टी होती है कि ये एक ही चीज़ को प्लस बार लिखा है एक बार माइनस में लिखा है तो इसका क्या रीज़न है। तो इसका ये रीज़न है कि इसको मॉडुलस को एक तो आप डायरेक्ट सॉल्व करके लिखते हो, जैसे ए की वैल्यू जो फाइव थी तो आपने फाइव लिखा ए मॉडुलस, और ए की वैल्यू जो माइनस फाइव थी और मॉडुलस ए किया तो फाइव कर दी, राइट। यहाँ पे आप उसको मॉडुलस को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो ये बहुत जो वे है एक्सप्रेशन है वो इस तरह होता है। कैसे देखिए, अगर मॉडुलस ए है और ए की वैल्यू जीरो और अबव जीरो है, पॉजिटिव नंबर है, देन ए शुड बी ए, राइट। ऐसे अगर यहाँ पे ए की वैल्यू फाइव है, सेवन है, 120 है, एनीथिंग बट इट शुड बी पॉजिटिव, तो क्या होगा लाइक 120, तो ए 120 में एक आगे रहेगा, समझ में आया। अब इन केस ए इज लेस देन जीरो मींस इट इज नेगेटिव नंबर, तो क्या होगा, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे माइनस ए से, मॉडुलस नहीं दिखा रहा, माइनस ए से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, मॉडुलस ए को माइनस ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपने माइनस ए लिख दिया, अब ए की कोई भी नेगेटिव वैल्यू रख दीजिए, चलिए मैं माइनस फाइव रखता हूँ, जो फाइव माइनस फाइव या माइनस सेवन वट एवर यू वॉन्ट टू राइट विल से माइनस फाइव रखते हैं, तो ये माइनस का ऑलरेडी है और ब्रैकेट लगा के इसकी वैल्यू माइनस फाइव है। अब आपको पता माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है भाई, तो ये प्लस हो गया। अगर आपने माइनस सेवन रखा, माइनस ये है और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू से माइनस सेवन है, आपने ए की वैल्यू माइनस सेवन रखी, ये आ गया सेवन। अब आप वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, छोटे नंबर इसे ले रहे हैं ताकि एक बार आपको समझा जाए, आप बड़े बड़े नंबर लिखिए, टू डिजिट नंबर ले लीजिए, थ्री डिजिट नंबर ले लीजिए, फोर डिजिट नंबर लेके आप इसको इमेजिन कर सकते हो, अपने कॉपी में सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व जरूर करना है इसको कॉपी में, अनटिल अनलेस आप उससे सॉल्व नहीं करोगे, आप उससे इस चीज को कैसे ये रिप्रेजेंट हो रहा है इसको आप उससे बिना देखे अगर आप नहीं लिखोगे तो अगेन आपको समझ में नहीं आएगा या फिर आप भूल जाओगे, और ये थोड़ा सा लगेगा कि अभी क्या चीज़ है, यू नो। तो इसके बाद नेक्स्ट पेज में आते हैं, ये पेज नंबर फाइव था जो मैंने पढ़ाया। इसके बाद जब अचानक गलती से बोला था नंबर लाइन, तो नंबर लाइन के बारे में यहाँ पे है, तो नंबर लाइन का तो मैंने ऑलरेडी आपके वीडियोज बनाए हैं दो तीन बार, अलग अलग चीज को और वैक्सल नंबर वाले वीडियो में बनाया था। तो नंबर लाइन को अगर इंटीजर को नंबर लाइन में शो करना है तो ये नंबर लाइन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन, ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव एंड सो ऑन, तो ये इंटीजर को शो करना है। अब इसमें चीज दिख रही है कि भाई जो है कहते हैं कि एड अ पॉजिटिव इंटीजर और सबट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर टू बी मूव टू राइट, तो ये आपको बेसिकली ये बड़ी बात नहीं है, अगर आपको अगर आप किसी भी नंबर में पॉजिटिव नंबर यूज कर ऐड करो तो आप राइट साइड में मूव करोगे और अगर नेगेटिव करोगे तो लेफ्ट साइड, मतलब कुल मिला के ये चीज़ है कि अगर नंबर बढ़ रहा है इंटीजर इज इंक्रीजिंग समहाउ, कोई भी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और वो नंबर बढ़ रहा है तो वो इस तरह डायरेक्शन में मूव करेगा, और नंबर अगर वो रिड्यूस हो रहा है तो इस डायरेक्शन में जो है वो
जाएगा। देखो इसका मतलब इस तरह का वो आप जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल नेगेटिव समझ जाए। कई बार ऐसा होता है कि आप 9-5 करोगे तो 9 हिट और आगे की तरफ 9 आएगा, मतलब से 9 ना तक नहीं आएगा, 5 क्या तो क्या 4 है, तो इस तरह से मुंह करके इधर आ जाए। तो ये सारी चीजें नंबर इनमें कैसे करेंगे, 9 ये आ गया आपके, 8 ये आ गया आपके, 7 ये आ गया आपके, 6 ये आपके आ गया, 5 ये, 4 ये आपके आ गया, 3 ये, 2 ये, 1 ये आपके, 0 ये, -1 ये, -2। सो तो भैया अगर आपको -5 यहाँ पे मैंने क्या बताया 9 माइनस करना है, तो पीछे भी कर पाइए 1, 2, 3, 4 और 5 बैक साइड में आया तो ये बैक साइड राइट हैंड और राइट हैंड लेफ्ट जाएंगे। सिंपल है ना, ये आपने कर भी रखा है पहले हायर क्लास लोअर क्लास के इसके अंदर, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद में जो टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं इसी में सेकंड पैर के अंदर, ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर ऑन द नंबर लाइन, इफ नंबर ए लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ बी, राइट राइट साइड ऑफ बी, तो जाहिर सी बात है कि वो नंबर इज बिगर देन दिस राइट साइड, जैसे ये 5 है इस 3 के राइट साइड में, वो बिगर है। और ए और बी की बात कर रहे हैं अगर, तो अगर ए जो है राइट साइड में पड़ रहा है तो बी होगा, और इस लेफ्ट साइड में पड़ रहा है तो लेसर होगा। ओके, तो ये सिंपल सी बात है, तो ऑर्डरिंग हो गई भाई, इतनी सी बात है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसके अंदर। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको करना पड़ेगा, इसमें कई एक लिख रहे 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर एंड स्मॉलर देन एवरी पॉजिटिव। जीरो जो है वो हर नेगेटिव नंबर से बड़ा है और पॉजिटिव नंबर से छोटा है, यू नो दैट राइट फ्रॉम क्लास 3। इसके बाद में 1 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, राइट, माइनस इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, राइट राइट। ये देखिए ये चीजें पता है लेकिन अगर कोई पूछता है तो हम सोच में पड़ जाते हैं, समझ में आया कैसे, अगर कोई आपसे ये पूछता है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, हां तो आप यहां पे द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, सॉरी ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, तो आप सोचोगे कि नेगेटिव इंटीजर सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, उस आंसर आपके सामने आंखों के सामने वो -1 होगा या कि उसके बाद तो 0 आ जाता है, तो नेगेटिव इंटीजर 0 तो है नहीं। लेकिन हम ये छोटी छोटी बातें में ही कंफ्यूज हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमारा फाउंडेशन वीक रहता है, इसलिए हमको ये बहुत जरूरी है कि हम जो भी चीज़ पढ़ें बुक, जैसे आपके टेक्स्ट बुक आप पढ़ रहे हो तो उसको समझिए, ताकि जब आप सुपरस्ट्रक्चर में जाओगे, सुपर स्ट्रक्चर का यहाँ पर मीनिंग है कि जब आप फाउंडेशन में आपकी जो है ये बेसिक चीज़ें के बाद में जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन करोगे इसके बाद वाले एक्सरसाइजर में, तब आपको बहुत ईजी फील करूँगा, है ना। सो ये दो लाइनें समझाइए आपको, इसके बाद देर इज नो ग्रेटेस्ट पॉजिटिव, देर इज नो ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर। अगर कोई आपसे पूछे कि भैया ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या होगा, अब ये तो नंबर लाइन चलती रहेगी जाएगी, अगर 4 डिजिट के बाद 5 डिजिट, 5 डिजिट के बाद 6 डिजिट, ऐसे नंबर आते रहेंगे, तो ये तो इन्फिनिटी है, और ना है ना इसका छोर है, समझ में। सो देयर इज नो एंड ऑफ, तो कोई ग्रेटेस्ट नंबर नहीं, देयर इज नो स्मॉलेस्ट, इस लाइकवाइज नेगेटिव डायरेक्शन में स्मॉलेस्ट की तरफ जाते हैं, जैसे इधर जाओगे आप स्मॉलेस्ट तो इसका भी कोई और है ना छोर है, तो भी चलते जाएंगे। इस आखिरी जो पॉइंट था वो दैट द पॉइंट इज वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट, सो मैं वापस से उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी फॉर इंटीजर ए एंड बी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन ए माइनस ए, इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन माइनस ए इज स्मॉलर देन माइनस बी। अब ये मैं अगर सिंपल सा एक लाइन में बोलूंगा तो मैं
सीधा बोल दूंगा कि ए इज ग्रेटर देन बी, और जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका साइन अपोजिट हो जाता है। लेकिन ऐसे कैसे क्यों होता है तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं। जैसे फाइव और फोर वाले ले लेते हैं कि फाइव इज ग्रेटर देन फोर। अब नेगेटिव फाइव और नेगेटिव फोर है, तो नेगेटिव फाइव और नेगेटिव फोर मतलब माइनस फाइव और माइनस फोर, इन दोनों में से बिगर नंबर कौन सा है? देख लेते हैं नंबर लाइन में, नंबर लाइन कहाँ है? ये है। इन दोनों के अंदर नंबर लाइन में माइनस फोर राइट साइड में पड़ता है बड़ा, और हमको मजबूत ही मालूम है कि माइनस फोर इज बिगर देन माइनस फाइव। तो जाहिर सी बात है साइन चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, या हम बोलेंगे माइनस फाइव इज स्मॉलर देन माइनस फोर। सो यही तक आज पढ़ेंगे हम, और ये एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर जो है वो मैं आपको सिंपल से दो रूल है ये मैं आपको इसी में करवा दूंगा, तो आपका ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा, देखते हैं। चलिए करवा देता हूँ मैं, उसमें ऐड कर दूंगा इस वीडियो के साथ में दूसरे वीडियो। तो इफ टू इंटीजर्स हैव द सेम साइन, इफ यू ऐड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर एंड गिव द कॉमन साइन टू द रिजल्ट। अच्छा, सीधी सी बात है, जैसे माइनस थ्री है और माइनस सेवन है, दोनों को ऐड करना है, तो दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है? थ्री है। सेवन माइनस सेवन की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? सेवन है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, एक हो जाएगा टेन। अब इसकी जो एक्चुअल नेगेटिव वैल्यू है उसको आप आगे लगा दीजिए तो ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा, सीधी सी बात। तो ये एक तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो उसको। दूसरा क्या है आप, कि ये इंटीजर और दोनों के वैल्यूज डिफरेंट है, जैसे एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो इसको कैसे करोगे आप? तब भी कर सकते हैं आप। कैसे? आप क्या करिए, कोई भी नंबर हो जैसे तुम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और जो बिगर साइन वाला नंबर है, बिगर साइन वाला नंबर है, उसका साइन पुट कर दीजिए। जैसे आपका यहाँ पे फाइव है और माइनस का सेवन है, तो आप बिना देखे सीधा सॉल्व कर दीजिए इसको, सेवन माइनस फाइव कर दीजिए और आप लिख दीजिए टू। अब आपको हमेशा चिंता रहती है कि कौन सा साइन लगा है, तो इसके अंदर जो है कौन सा साइन लगाना है, बड़ा नंबर बिगर नंबर कौन सा है? सेवन है, तो सेवन का साइन लगा दीजिए माइनस, तो ये माइनस हो गया। तो आप सीधा सीधा आपको पता पड़ गया कि ये जो नंबर है ये इंटीजर्स, दो रूल है इंटीजर्स के, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। इफ टू इंटीजर्स हैव ऑपोजिट साइन देन देयर एब्सोल्यूट वैल्यू, और जो है लार्जर की वैल्यू जो पुट करनी है, सब्ट्रैक्ट करना है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये, इसके बाद आप इसके एग्जांपल भी कर लोगे और इसके जो है एक्सरसाइज भी कर लोगे। ये जो एग्जांपल मैं आगे आने वाले वीडियो में बता दूंगा आपको। मीनवाइल आपको मैं होमवर्क दे दूंगा, और माइनस माइनस प्लस क्यों होता है मैंने इसका वीडियो बना दिया, मैं अलग से इसका वीडियो नहीं बनाऊंगा, वो आपके पेज नंबर 9 में यहाँ पे दे रखा है। तो ऊपर दे रखा है, तो माइनस माइनस हाउ इट बिकम प्लस, अगर ये केस में होगा तो ये मैं आपको एक्सप्लेन एक बार समझा, मौका मिलेगा तो समझा दूंगा। बाकी मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है बहुत अच्छे से, वो मैं आपको मैं इसके साथ में लिंक में ऐड कर दूंगा आगे वीडियो के अंदर जैसे बनाएंगे। तो ये आज मैं 5-6 पेज नंबर एंड 7 के जो क्वेश्चन आंसर एग्जांपल है उसको आपको देखना है। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।